नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो। फिर देखिए, बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है 2018-19 के अंदर 197 पदों के लिए, और उसका सिलेबस क्या होगा और उसके उसमें फीस कितनी देनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जो निकाली है सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2018 15 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है। 15 नवंबर 2018 में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है। वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। ये जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इनके बारे में कोई भी गलत सूचना अगर भरी जाएगी तो आवेदक का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, परीक्षा से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, रिक्त पदों के बारे में बात करते हैं। आरक्षण में विवरण 86 जो पोस्ट है 2018 की पोस्ट है, जो कि 45 जिसमें से आपकी जनरल सीट्स हैं, अनरिजर्व है, जो कि 13 रिजर्व फॉर वुमेन। इसके अंदर एससी की 13 सीट हैं, इसमें 10 सीट इसमें आपकी एसटी की हैं और 18 सीट ओबीसी की हैं। लिखा हुआ है 3 पोस्ट रिजर्व है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें एक तो ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस के लिए है, एक लो विजुअल के लिए है, एक हियरिंग के लिए इम्पेयरमेंट है, और एक आपकी लोकोमोटिव डिस्प्लेटिव है। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल। और 111 सीट जो है 2019 के लिए है, जिसमें 58 तो आपकी सीट है जनरल की, 17 सीट है आपकी एससी की, 13 सीट है एसटी की और 23 सीट है ओबीसी वर्ग की, जिसमें से आपको वुमेन्स वगैरह की सीट पूरी डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में। इसकी टोटल सीट्स बताई हुई हैं, 197 है। और देखिए, इसमें आपको बोला हुआ है एमबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है, एमबीसी के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें, ये विशेष नोट डाला हुआ है इसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने बताया है कि 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो, यह लिखा हुआ है, कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो, यानी कि बैचलर की उपाधि होनी चाहिए आपके पास में, लॉ की डिग्री की होनी चाहिए आपके पास में। यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को देव डिग्री लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियां एवं सामाजिक रूढ़ियां रीति रिवाज का पूरा ज्ञान होना चाहिए इसको। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इसके बारे में। आयु सीमा दी हुई है 23 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। बाकी का रिजर्वेशन एज यूजल है आपका राजस्थान के अंदर जो होता है। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं, तो परीक्षा शुल्क इन्होंने दिया हुआ है जो जनरल कोटे से हैं उनको 850 रुपये फीस जमा करानी होगी। ठीक है, जनरल कोटा आपका एमबीसी और ओबीसी और अन्य राज्य के जो आवेदक हैं उनके लिए भी 850 रुपये की फीस जमा करानी होगी। राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर बात करते हैं आवेदक के रूप में जो 550 रुपये देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पर 300 रुपये इनको फीस जमा करानी होगी। नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएँ दी हुई हैं, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ें जरूर। देखिए, परीक्षा की स्कीम के बारे में बताया हुआ है, इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल जज सेल भी, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है किस तरीके से परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा पूरा का पूरा बताया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर प्री और मेंस दो होंगे पेपर। प्रीलिम में आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा, जिसमें आपका हिंदी में पूरा सिलेबस दिया हुआ है आपको। हिंदी में दिया हुआ है शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, पूरा इस तरीके से सिलेबस बताया हुआ है। एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसमें टेंस, आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स पूरे डिटेल दी हुई है इसमें, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तक। राइटिंग मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, जो मेंस एग्जाम होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम का होगा वो पूरा का पूरा, जिसमें आपको ये डेट बताई हुई है। 8वां पॉइंट इनका है कि इन्होंने पूरी डेट बताई हुई है, 26 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 5 जनवरी तक शनिवार रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे। फीस की समय सीमा भी आपकी सोमवार 26 तारीख से होगी और 6 तारीख तक की, इसमें 6 तारीख को 11:59 तक इसकी फीस जमा कराने की समय सीमा होगी, ऑनलाइन फीस जमा होगी। यहाँ पर आपके लिए पूरी डिटेल दी हुई है, स्वयं के स्तर पर भर सकते हैं या फिर आप ई मित्र के द्वारा भी भर सकते हैं फॉर्म को पूरी। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बताया हुआ है, सिविल जज कैडर
आपका 2018 पर क्लिक करिए, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आएगा, वहाँ से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना होगा, ठीक है। मेक पेमेंट में जाके आपको अपना पूरी पेमेंट रेफरेंस नंबर वगैरह देने होंगे, और उसके बाद में आपका मेक पेमेंट का बटन क्लिक कर परीक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन फेल अगर हो जाता है तो उसमें उच्च न्यायालय की वेबसाइट HCRAJ.NIC.IN पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट टैब में जाकर सिविल जब रेफरेंस नंबर की सहायता से पुनः मेक पेमेंट पर क्लिक करके भुगतान कर सकेंगे। बात करते हैं आप इसके आगे ध्यान देने वाली बात, इसमें ये लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें, कोई भी आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करें। स्पेशल ये लिखा हुआ है, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये लिखा हुआ है, ये स्पेशल नोट है, बताया हुआ है इसमें। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद में कोई भी ऑनलाइन आवेदन जो भी होगा वो सुनिश्चित कर लेगी मैं विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तों को पूरा करता हो, ये चीज़ पूरी डिटेल से बताई हुई है। इन्होंने ये भी बोला है कि आप किसी भी प्रकार की कठिनाई जानकारी तो ई मित्र पोर्टल जो है उस पर आप इसकी लिंक हेल्प डेस्क पर जाकर ई मित्र के संबंधित अधिकारी कर्मचारी संपर्क करने में के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है, तथा आपको ये एड्रेस दिए हुए हैं। समय सीमा इन्होंने बताई दी थी पहले ही। प्रवेश पत्र जो आपका दिया हुआ है वो आपको कहाँ से जारी करना होगा, परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरांत प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे, सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। जन्म दिनांक, आपकी जन्म दिनांक एवं आवेदन पत्र क्रमांक के आधार पर आप अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको जरूरी है। आपका आवेदन एप्लीकेशन आईडी जरूर लिख के रख लेनी है आपको। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो देखिए स्कीम जो है इनकी जो सिलेबस है, प्रीलिम एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप आपका मेन होगा, फिर बाद में आपका थ्री फेज में ये पेपर कंडक्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम के बारे में बात करते हैं, तो प्रीलिम जो एग्जाम्स होगा वो आपके सिलेबस होगा, उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर मेन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। वेटेज है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन का 70% वेटेज है, और सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब इन सिलेबस फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड लॉ पेपर सेकेंड एंड 30% वेटेज शैल बी गिवन टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो 30% आपका जो हिंदी और इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी का रहेगा। देखिए हिंदी में आपको पूरी डिटेल दी हुई है, किस तरीके से पूरी हिंदी का इसमें बताया हुआ है, और इंग्लिश के अंदर भी आपको पूरा दिया हुआ है, टेंस वगैरह हैं, आर्टिकल्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, आपके कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन है और सबऑर्डिनेशन है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आपको। यहाँ पर देखिए इसमें जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको बताया हुआ है कि लॉ पेपर फर्स्ट लॉ पेपर सेकंड 100-100 मार्क्स से होंगे, और जो हिंदी और इंग्लिश के होंगे वो 50-50 मार्क्स से होंगे। ड्यूरेशन जो लॉ पेपर फर्स्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। इसमें आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी बताया हुआ है। लॉ पेपर सेकंड जो होगा इसकी भी ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, ये भी डिटेल दी हुई है इन्होंने, पूरी की पूरी बताया हुआ है इसके अंदर किस तरीके से क्या होगा पूछा जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो ये 2 ओवर्स के जो पेपर होंगे इनमें आपको राइटिंग ऐसे होगा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में, और इंग्लिश का जो होगा आपका ये भी 2 घंटे का होगा, इसमें भी राइटिंग ऐसे होगा, ऐसे राइटिंग रहेगी आपकी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इस तरीके से पूरा बताया हुआ है। जो थर्ड फेज होगा वो आपका होगा इंटरव्यू वाला, जिसमें इंटरव्यू 22 वॉइस ये हो जाएगा, ठीक है, बीवा वॉइस होगा, जिसके अंदर आपको इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर डिटेल दी हुई है पूरी की पूरी बताया हुआ है इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्या होगा। तो दोस्तों ये था आपके जो हाई कोर्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जा रहा है 2018 और 19 उसके 197 पदों के लिए, जिसमें आपको हमने सिलेबस और उसकी डिटेल्स के बारे में बताया है किस तरीके से क्या सिलेबस रहेगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है ओरिजिनल नोटिफिकेशन कहाँ है, और ये किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा, पूरी डिटेल बताइए। धन्यवाद दोस्तों।